आटा और हरे मटर की बिल्कुल नई सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बोल लेंगे, इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी, साथ में डाल देंगे आधा कप गर्म पानी ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए किनारे रख देंगे। मिक्सी जार लेंगे, इसमें डाल देंगे आधा कप ताज़ा हरा मटर। और यहाँ हमने प्लेट में एक उबला हुआ आलू लिया है छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, तो सबसे पहले इसमें हरा धनिया की पत्ती डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन की पत्ती डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, आलू को बाद में डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे सूखा पीस लेंगे। अब इसमें हम उबले हुए आलू को डाल देते हैं, ढक्कन लगा देंगे और इसे भी हम इसी तरह से सूखा पीस लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसमें लहसुन ना डालें। अब हम सूजी में पिसा हुआ मटर मिला देंगे, हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि आलू की गुठली न रहे इसमें। स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा कप गेहूं का आटा। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे, इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। बीच बीच में आटे को डालते जाएंगे और बिल्कुल सूखा होने तक इसे हमें गूंथ लेना है। 1 से 2 बूंद तेल डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आटा अच्छी तरह से गूंथ लिया। अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमने आटा गूंथा हुआ है। अब इसे किनारे रख देते हैं। चकला लेंगे, इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे, लोई को मसल करके चिकना करेंगे और रोल करेंगे लंबा सा। इसमें से हम 2 लोई बनाएंगे, एक लोई को किनारे रख देंगे, एक लोई को चिकना करेंगे और बड़ी सी लोई बनाएंगे, थपथपा कर इसे बड़ा करेंगे। सूखा आटा लगाएंगे, हथेली से दबाते हुए इसे बड़ा कर लेंगे। अब इसे हम बेल लेते हैं। बड़ी सी रोटी बनानी है, इसे हम दोनों तरफ से उलाटते पलाटते हुए थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालते हुए बड़ी सी रोटी बनाएंगे इस तरीके से। तो आप एक बार इसे बेल करके देख लें, कहीं मोटा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए, इसकी मोटाई देख लीजिए। अब इसे कटोरी से हम इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लेंगे। आप चाहे तो ग्लास से भी काट सकते हैं। एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे, पूड़ियों को एक थाली में रख लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, इस तरीके से। अब हम दूसरी लोई को भी इस तरह से बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। आप मोटाई इसकी देख लें, दोनों तरफ से इसे उलाटते पलाटते हुए बेलेंगे एक बराबर। अब हम कटोरी से इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लेंगे। सारी पूड़ियों को इकट्ठा कर लेंगे, गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आंच धीमी कर देंगे और पूड़ी डाल देंगे। जब पूड़ी ऊपर आ जाएगी तो इस तरह से हम छनौटे से इसके ऊपर तेल उछाल उछाल के डालेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। धीमी आंच पर पूड़ी को पकाना इस बात का ध्यान रखना है, अगर तेज़ आंच पर हम पूड़ी को डालेंगे तो ये तुरंत लाल हो जाएगा और क्रिस्प नहीं बन पाएगा। एक तरफ से जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसे हम पलट देंगे और इस तरीके से दोनों तरफ से इसे हम उलाटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक पूड़ी हमारी तैयार हो गई है, अब हम दूसरी पूड़ी डालेंगे। इसी तरह से कलछी से उछालते हुए इसके ऊपर तेल डालेंगे और जैसे एक तरफ से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी इसे हम पलट देंगे। तेल हमारा काफ़ी गर्म हो गया तो अब इसमें हम 2-2 पूड़ियाँ डालते जाएंगे। एक पूड़ी को निकालते जाएंगे, दूसरी पूड़ी को डालते जाएंगे। एक पूड़ी जैसे ही हमारी फूल जाएगी दूसरी पूड़ी को डाल देंगे और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसे बाहर निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से हम सारी पूड़ियों को बना लेंगे। इस तरीके से हमने सारी पूड़ियों को बना लिया। काफ़ी क्रिस्पी है, ये काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, कम समय में काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यम्मी रेसिपी बन करके तैयार होती है। इसे आप मीठी चटनी के साथ या घर में रखा हुआ अचार, जो भी आपके पास गाजर मूली मिर्च का हो उसके साथ खाइए, नहीं तो बिना अचार के ही इसे खाइए। काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी यम्मी लगता है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।